अब हम लोग देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर दोज ऑपरेटर दे कंपेयर बिटवीन टू और मोर ऑपरेंड्स बाय लॉजिकली, दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड एज अ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग उसको कहते हैं जहां पर हम लोग दो या दो से अधिक ऑपरेंड्स के बीच में लॉजिकली कंपेयर करने का काम करते हैं, उसको हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। जैसे तुम सही हो, ये गलत है, ये सही है, तुम गलत है, तुम दोनों सही हो, तुम दोनों गलत हो। तो सही और गलत दुनिया में कुछ नहीं होता। अगर तुम उसको जस्टिफाई कर पाते हो तो तुम सही हो, और अगर जस्टिफाई नहीं कर पाते हो तुम गलत हो। तो वैसे जगह पर हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली इज अ थ्री टाइप, नंबर वन एंड ऑपरेटर, जिसको हम लोग डबल एंड से रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, और ऑपरेटर जिसको हम लोग डबल बार से रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, और नॉट ऑपरेटर जिसको हम लोग एक्सप्लेनेशन साइन के थ्रू रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का यूज हम लोग वहां पर करते हैं जहां पर हम लोग दो या दो से अधिक कंडीशंस लगाते हैं, और जब हमारा दोनों कंडीशन सही होगा या सारा कंडीशन सही होगा तभी हम रिजल्ट देंगे, अदरवाइज हम लोग रिजल्ट नहीं देंगे, वैसे जगह पर हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो यहां पर हम लोग एक ट्रुथ टेबल हम लोग देख रहे हैं, जस्ट लाइक ट्रुथ टेबल की तरह वर्क कर रहा है। तो ये कैसे काम करता है, चलो इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास यूजर नेम है एंड पासवर्ड है, तो तुम यूजर नेम सही डाला, पासवर्ड सही है डाला, लॉग इन होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात ही होगा, होगा, बाकी सब कुछ सही है तो। और यूजर नेम सही, सेकंड कंडीशन हम लोग लगाए, यूजर सही है बट पासवर्ड मान लो गलत है, तो क्या लॉग इन होगा, नहीं होगा। थर्ड कंडीशन हम लोग लाए, यूजर नेम इज रॉन्ग बट पासवर्ड इज सही, क्या लॉग इन होगा, नहीं होगा। फोर्थ कंडीशन हम लोग लगाए हैं, यूजर नेम इज रॉन्ग एंड पासवर्ड ऑल्सो इज रॉन्ग, तो क्या लॉग इन होगा, नहीं होगा। तो ऐसे जगह पर हम लोग क्या लगाए, देखे कि एंड ऑपरेटर में जब हमारा सारा कंडीशन जब सही है तभी हम लोग रिजल्ट दिए, अदरवाइज हम लोग रिजल्ट नहीं देंगे, तो वैसे जगह पर हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब चलो बच्चों, हम लोग देखते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का यूज हम लोग वहां पर करते हैं जहां पर दो या दो से अधिक कंडीशंस है और उनमें से कोई भी एक सही हो जाए, हम लोग रिजल्ट डिस्प्ले करने का काम करते हैं। जैसे मान लो हम लोग कोई सिम कार्ड लेने जाते हैं पहले, तो हम लोग से कोई भी एड्रेस प्रूफ बोलता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, राशन कार्ड हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनमें से कोई भी एक दे दीजिए जो हमारे एड्रेस को प्रूफ कर देगा। और आईडी प्रूफ के लिए आपका पैन कार्ड चल जाएगा जिसमें फोटो लगा हुआ हो। तो ऐसे जगह पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग और ऑपरेटर का यूज करते हैं जिसमें से दो या दो से अधिक कंडीशंस हैं और उनमें से कोई भी एक फुलफिल कर जाए, हम लोग रिजल्ट दे सकते हैं। तो जैसे हम लोग मान लो हम लोग फर्स्ट कंडीशंस देखो जिसमें दोनों कंडीशन सही है रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड कंडीशन में एक कंडीशन सही है, एक कंडीशन फॉल्स है, तब भी हम लोग रिजल्ट देंगे। थर्ड कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं एक कंडीशन फॉल्स है, सेकंड इज अ ट्रू, देन रिजल्ट विल बी ट्रू। और फोर्थ में हम लोग देखें दोनों गलत है, तब जाके रिजल्ट नहीं देगा। तो ऐसे जगह पर हम लोग और ऑपरेटर का यूज करते हैं। नॉट ऑपरेटर का बच्चों हम लोग वहां पर यूज करते हैं जहां पर जस्ट अपोजिट उसका रिजल्ट होता है। जैसे मान लो हम लोग स्विच है, स्विच अगर वन है, मान लो जैसे मोबाइल फोन अगर वन है, उसी बटन को प्रेस करते हैं तो क्या हो जाता है, मोबाइल ऑफ हो जाता है। और अगर मोबाइल ऑफ है तो फिर हम उसी बटन को प्रेस करते हैं, मोबाइल क्या हो जाता है, वन हो जाता है। यानी अपोजिट वर्क करता है कि नहीं करता है, यानी ऑफ है तो वन होगा, अगर वन है तो ऑफ होगा। तो वैसे जगह पर हम लोग नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पर दिस ट्यूटोरियल में हम लोग ने देखा लॉजिकल ऑपरेटर कैसे वर्क परफॉर्म करता है, इसके मैकेनिज्म के बारे में जाना, देखा और समझा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलो।